नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सनातन पर आपत्तिजनक बयान और उस पर छिड़े संग्राम की। दरअसल तमिलनाडु सरकार में मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर घमासान मचा हुआ है। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन के बयान से संतों में आक्रोश है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने गृह मंत्री से उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी संत और अखाड़े सनातन के सैनिक हैं, जिनमें उदयनिधि के बयान के बाद नाराजगी है। जो भी सनातन का विरोध करता है उसका नाश निश्चित होता है। स्टालिन है को कोई नया नहीं कह रहे, आपने ध्यान दिया होगा वो जो बयान है उनका, वो बयान उनके मुख से नहीं, बाकायदा रिटर्न में वो बयान था जो उनके द्वारा पढ़ा गया। ये पूर्व से ईसाई मिशनरियों द्वारा सनातन धर्म पर एक आक्रमण की तरह ये सारा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। आज उस ईसाई मिशनरी को राजनीतिक दलों का साथ मिल गया है और ये जो जूनियर स्टालिन है, ये चूंकि फिल्म निर्माता भी हैं, उसके अलावा फिल्म में हीरो की भूमिका भी निभाते हैं और सरकार में वह मंत्री। तो उदयनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर दिए बयान पर संग्राम छिड़ गया है। मसूरी में व्यापार मंडल का प्रदर्शन देखने को मिला है। व्यापार मंडल ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापार मंडल का कहना है कि जब तक स्टालिन माफी नहीं मांगते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। व्यापार मंडल ने देश में नफरत फैलाने वालों पर लगाम लगाने की मांग की है। साथ ही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को पत्र लिखकर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की भी मांग की है। तमिलनाडु के मंत्री डीएमके पार्टी के युवा सदस्य और युवा विकास मंत्री और जो कि वहाँ के खेल मंत्री भी हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी सनातन धर्म को लेकर करी गई, जिस टिप्पणी में साफ करा कहा गया कि जो सनातन धर्म है वो कोरोना मलेरिया इस प्रकार की बीमारियों से उसकी तुलना करी, इन बीमारियों को जैसे समाप्त किया जाना चाहिए उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त करना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म को सिर्फ समाप्त करने की बात नहीं करी बल्कि सनातन उन्मूलन सम्मेलन में एक जो बड़ा अधिवेशन हुआ था वहाँ पर उसमें प्रतिभाग करा, उसके बाद ये विभिन्न टिप्पणियां करी जिसका हम। उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स समिट में राज्य के मौजूदा उद्योगपतियों से भी इन्वेस्टमेंट जुटाया जाएगा, जिसे लेकर अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है। हरिद्वार दौरे पर रहे गढ़वाल कमिश्नर और औद्योगिक सचिव विनय शंकर पांडे ने बैठक की। सिडगुल में फैक्ट्री मालिकों और उद्योगपतियों से चर्चा कर सुझाव मांगे और उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। विनय शंकर पांडे ने कहा कि राज्य में उद्योग चला रहे लोग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे, लिहाजा उनकी समस्याओं का हर स्तर पर समाधान जरूरी है। राज्य में 6000 एकड़ लैंड बैंक तैयार है, इसलिए नए उद्योगों के लिए जमीन की कमी नहीं होगी। उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए वातावरण भी बिल्कुल अनुकूल है। तो कि सिडकुल के पास जमीन नहीं है और बहुत ज्यादा महंगी है, प्राइवेट ज़मीन पे और बहुत सारी प्रॉब्लम रही, कभी HDA से नक्शा पास नहीं हुआ, कभी सीडा ने नक्शा पास नहीं किया और ये अभी भी उसका आश्वासन दे रहे हैं कि वो सीडा पास करेगी पर कोई डिसीजन आज तक हुआ नहीं है। तो प्राइवेट ज़मीन लेके फैक्ट्री लगाना हिंदुस्तान में मतलब उत्तरांचल में बहुत मुश्किल काम है। तो ये घोषणाओं को धरातल पर इम्प्लीमेंट करें तो स्वाभाविक बात है कि लोग अब उत्साह से भाग लेंगे। कहीं कहीं नहीं हो रहा, बल्कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री लेवल तक की घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन विद इन ईयर नहीं हुआ है अभी तक। सब्सिडी लोगों की पिछली सब्सिडी पेंडिंग है जो आज तक पेमेंट नहीं हुई है। आज की ये बैठक जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर मंथ में होनी है उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ के अपने इंडस्ट्रीज के लोगों से बातचीत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट ये मत है कि हमारी जो इस प्रदेश के अंदर के इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, सबसे पहले हमें उनके पास जाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनका निराकरण करना है, हमारी हाल फिलहाल में जो पॉलिसीज आई हैं हम उनको उनसे अवगत कराएं। और ये बड़ा अच्छा मुझे यहाँ का फीडबैक मिला, काफ़ी लंबी बातचीत हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोगों ने 50,000 करोड़ की ग्राउंडिंग का जो लक्ष्य रखा है इन्वेस्टर समिट प्रारंभ होने से पहले, यहाँ के हरिद्वार के जो हमारे बुलेटिन में अब आपको खटीमा की एक मुस्लिम महिला का दर्द भी सुना देते हैं। यकीन मानिए जब
इस मुस्लिम महिला की आवाज आप सुनेंगे, इसके दर्द को सुनेंगे तो आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। खटीमा की रहने वाली एक मुस्लिम महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़िता सैयदा रहमान की शिकायत पर पुलिस टीम ने एक निजी अस्पताल में लैब संचालित करने वाले आरोपी को उसके रिश्तेदारों के घर से गिरफ्तार किया है। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। सर, मेरी शादी 3 फरवरी 2023 को हुई थी। 5 फरवरी से ही मेरे हस्बैंड मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि मैं दूसरी शादी करूंगा, और मुझे 60 लाख रुपए मिल रहे थे। मेरे पापा ने उसे घर नहीं दिया, तो उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी बिजनेस करने के लिए। उसकी यहाँ भूड़ में प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप बड़वाल हेल्थ केयर नाम से वहाँ पे लैब है। वो वहाँ पे लैब है उसकी, वो लैब चलाता था, लेकिन उसका उससे भला नहीं हो रहा था, तो उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी बिजनेस करने के लिए। उसने ये सब सोच के मुझसे शादी करी, और 5 तारीख से ही मुझे फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से टॉर्चर शुरू करना शुरू कर दिया था, इमोशनली भी। और 29 अप्रैल से मैं अपने घर हूँ। फिर 19 जून को मैं गई भी थी एक सुलह करने के लिए, सब लेके गए थे। 13-14 मई को उसके भाई आए, वो लेके गए। 14 मई को वो छोड़ के भी गया। फिर 19 जून को जब मैं अपने फूफा के साथ गई उसके लैब पे, तो उसने 3 तलाक दे दी थी, जिसमें 4 गवाह भी है। फिर जब से वो फरार है, उस रात उसको पकड़ा गया है, और अब भी उसके मोबाइल में किसी लड़की के मैसेज आ रहे हैं। सर, बस मैं ये चाह रही हूँ मुझे न्याय मिले, और जो उसने करा उसकी उसे सजा मिले। उसे अभी तक पछतावा नहीं है, अब भी धमकी दे रहा है वो मुझे, अभी भी धमकी देकर गया है। सर, साइदा रहमान एक महिला है, उसके द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसके ससुराल वाले शादी के बाद उसके साथ मारपीट उत्पीड़न कर रहे हैं, और उसके पति द्वारा उसको जो है 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। इस पर थाना खटीमा में FIR नंबर 2 धारा 323, 354, 377, 498, 504, 506 IPC 3/4 दहेज एक्ट 3/4 मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम दर्ज किया, जिसमें जो उसके ससुराल वाले थे वो लोग हाईकोर्ट से कोई स्टे ले आया था। और ये, लेकिन ये जो मोहम्मद हलीम है उसका पति, ये लगभग 2-2.5 महीने से लगातार अपने घर से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से। हरिद्वार में हफ्ते भर में किसानों ने दूसरी बार महापंचायत का आयोजन किया है, क्योंकि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से किसान महापंचायत करने को मजबूर हैं। बता दें कि हाल ही में हुई किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे। अधिकारियों के किसानों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देने पर महापंचायत को खत्म भी कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर किसानों ने उन्हीं मांगों को लेकर महापंचायत का आयोजन कर सरकार और प्रशासन को चेताया है। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने बताया कि आपदा में खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा, सिंचाई के लिए किसानों को 1 साल के लिए बिजली मुफ्त देने, इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के बकाया भुगतान करवाने, आगामी सीजन में गन्ने का मूल्य 600 रुपए प्रति क्विंटल तय करने की मांग किसानों की ओर से की गई है। सितंबर को महासु देवता मंदिर हनोल में जागड़ा पर्व का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंदिर परिसर में साफ सफाई के साथ बिजली, पानी और भंडारे से जुड़ी व्यवस्थाएं विभागों करने के लिए कहा है। बता दें कि भंडारे का आयोजन मानव सेवा उत्थान करेगा। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी महासु देवता के मंदिर हनोल का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि महासु देवता को जम्मू कश्मीर से यहां पर लाया गया था, और ये न्याय के देवता हैं। हनोल में जागरा होने जा रहा है, और ये महासु महाराज का जागरा बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है हमारे लिए। इसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी किया कि हनोल के अंदर एक जागड़ा होता है, और वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, जौनसार के सभी लोग वहाँ पर एकत्र होकर महासु महाराज की पूजा करते हैं। महासु महाराज न्याय के देवता हैं, और राक्षसों का वध करने के लिए उनको, 4 भाइयों को जो है कश्मीर से लाया गया। यही कश्मीर और उत्तराखंड के बीच में दोनों राज्यों को जोड़ने की कड़ी है।
तो 18 सितंबर को माशू महाराज का झगड़ा होगा, 19 को चालदा महाराज का प्रसव में झगड़ा होगा, तो दोनों झगड़ों में भंडारा। मिलेट्स को बढ़ावा यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में नरेंद्र नगर के रामलीला मैदान में भी मिलेट्स पर विज्ञान सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें टिहरी जिले के 9 ब्लॉक से 18 छात्र छात्राओं ने शिरकत की। बता दें कि सेमिनार का विषय श्री अन्न एक मूल्य वर्धित अथवा भ्रांति था, जिसमें छात्र छात्राओं ने बेबाकी के साथ मिलेट्स को लेकर विचार रखे और बताया कि कैसा मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। भाषण प्रतियोगिता में इंटर कॉलेज कीर्तिनगर के सोमेश पांडे ने पहला, बालिका इंटर कॉलेज थत्यूर जौनपुर की कुमारी वर्तिका ने दूसरा और इंटर कॉलेज रानीचौरी की कुमारी प्राची ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नरेंद्र नगर में विज्ञान सेमिनार के अंतर्गत श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार के विषय पर बच्चे विभिन्न तरह के भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे हम मोटे अनाजों को बढ़ावा दे सकते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें श्री अन्न के सेवन करना चाहिए, इससे विभिन्न रोगों की भी रोकथाम होती है और साथ ही साथ यह हमारे पर्यावरण को भी पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आज जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार में हम सब ने प्रतिभाग किया, जिसमें हमें कैफी को जानने के बाद मिला मिलेट्स, जिसका टॉपिक है मिलेट्स अ सुपर फूड और अ डाइट फैट। इस विषय का चर्चा इस बार बहुत हो रही है क्योंकि इस साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पहले श्री अन्न का बहुत उगाया जाता था, हमारे जो गुरुजन थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका उत्पादन बहुत करते थे, लेकिन अब इसका उत्पादन बहुत घट चुका है। इस साल भारत सरकार ने इसके प्रोत्साहन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिशन आदि पाए जाते हैं। ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इनमें और ये किसी भी मौसम के अनुकूल उगाए जाते हैं। घर में विज्ञान संगोष्ठी को लेकर चर्चा चल रही है, इसका जो टॉपिक है श्रीअन्न को इतने महत्वपूर्ण क्यों लिया जा रहा है, क्यों ये गरीबों की थाली से हटके अमीरों की थाली में जा रहा है, क्योंकि लोगों को इसके महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पता चल रहा है, लोग जान रहे हैं इसके गुण। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने इसको चर्चा में रखने की बात कही है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इसमें फाइबर होता है, ये ग्लूटेन फ्री होता है, ये डायबिटीज के रोगियों के लिए अच्छा होता है। बीज के दौर में इसका जो उत्पादन था वो एक तरह से बिल्कुल कम हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना था, आप पूरे जो जितने भी खाद्य और पोषण वैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि जो मोटे अनाज है, मिलेट्स है, वे हमारे परंपरागत अनाजों का एक बहुत ही समृद्ध भंडार रहे हैं और हमारी पिछली पीढ़ी के लोगों के लिए जीवन, पोषण और शक्ति का आधार रहे। हमारी बीच की पीढ़ी में दुर्भाग्य से जो मिलेट्स है, जो मोटे अनाज है, जिसको श्री अन्न नाम दिया है सरकार ने, वो महत्व ही होते चले गए और अब फिर से उसको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। और बीच में हमने इस दशक में देखा है कि किसानों को इन अनाजों से बहुत अच्छी आय भी हो रही है। और उसके अलावा जो आपने फिल्म स्पेशल 26 तो देखी ही होगी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक नकली सीबीआई अफसर बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला देहरादून से भी सामने आया है, लेकिन नकली सीबीआई बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 लाख नकदी, 2 नकली पिस्टल, 2 वॉकी टॉकी, काले कलर के कपड़े के नकाब, 3 फोन, 1 आईपैड और लैपटॉप के साथ वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी बरामद की गई है। 29 अगस्त को एक घटना हुई थी सरदार रोड में, लूट की घटना हुई थी और उसको बहुत ही फिल्मी स्टाइल में सीबीआई अफसर बनकर के लोग घुसे थे 3 लोग, और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया गया था जस्ट वादी पक्ष को इम्प्रेस करने के लिए, और उनकी वहाँ से फिर जो है आपका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, लगभग 3.25 लाख रुपया जो है उठा के ले गए थे। तो जब हमने इसकी तहकीकात करने पर जो है बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि जो विभिन्न वादी पक्ष का भी जो है वो जो ट्रेडिंग का काम करते हैं उसकी हम अलग से जांच कर रहे हैं और उसका हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, हमारे एसओजी और थाना पुलिस ने एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में उन्होंने
मसूरी में बदमाशों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली से आए पर्यटक पर जानलेवा हमला कर उसे लूट की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से आए पर्यटक जॉनी गांधी चौक से लाइब्रेरी बस स्टैंड पर घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान बदमाशों ने पहले चाकू से उनके हाथ पर हमला किया और फिर उनके गले पर भी वार किया, जिससे जॉनी गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों ने उन्हें खाई में फेंकने की भी कोशिश की। स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायल जॉनी को मसूरी उप जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं 9:30 बजे मैंने खाना वहाँ से निकला हूँ, वहाँ से 9:20 पे निकला हूँ, खाना खाया वहाँ से 9:20 पे निकला हूँ होटल से, आया नीचे के लाइब्रेरी के साइड में, नीचे को अंधेरे के साइड में पूरा नीचे को चला गया मैं, काफ़ी दूर तक चला के फिर वापस आया सिगरेट पीता हुआ, तो पीछे से अचानक ही हमला हुआ, बाल पकड़े वगैरह एकदम से भाप मोड़ लिया, शक्ल में देख नहीं पाया कौन थे कौन नहीं थे। तो क्या आपसे लूटपाट कुछ कैश वैश था? नहीं, वो मैंने जेब में हाथ डाल रहे थे, चेन तो खोल ली पर मैंने हाथ इस हाथ से जेब पकड़ी हुई थी सीधे हाथ से। कोई गले में आपके चेन वेन थी उसको लूटने की? नहीं, चेन कुछ नहीं थी, मैं अपना मोबाइल तक होटल पर रख के आया था। तो आपका फोन होटल में छोड़ दिया था? हाँ, मैं छोड़ के आया था, स्विच ऑफ करके वहीं पर ही हुआ। जो अभी आया था ये जो है पुलिस के द्वारा लाया गया एक 44 ईयर मेल है। जब मैंने उसका एग्जामिन किया, जब आया तो अनकॉन्शियस था और उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। जब मैंने उसका एग्जामिन किया तो मुझे लगा कि ये ब्लड उसके नेक से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। तो देखने पे जब मैंने उसको क्लीन किया तो देखा कि उसमें धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था, दो जगह काटा गया था और उसका रिस्ट जॉइंट से भी काटा गया था। फिलहाल तो हमने उसको स्टिच करके प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और इसके बाद हम इसको जो है हाई सेंटर रेफर करेंगे। एग्जैक्टली ये धारदार हथियार से काटा गया है। देहरादून के कालसी से हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल जामुआ के पास एक गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मृतक की उम्र 45 साल है और वो रुड़की का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मृतक के शव को खाई से निकाल लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।